You've been to Mumbai. I've been to Mumbai, been to Kerala, been to Hyderabad. She doesn't know what that is. So it all started when I saw Captain Marvel's trailer and I was mind blown. I was like, what an amazing concept that there's a her in every hero. And then I made a YouTube video talking about my sister, my hero. And then I shamelessly tagged Marvel India saying, hello, listen, huge fan, BT dubs. But if you're thinking that you know, कैप्टन मार्वल की कास्ट से मिलवा दो चलो मिलवाना तो दूर है रीट्वीट ही करवा दो यार तो भी मैं खुश हो जाऊंगी एंड अदिति फ्रॉम मार्वल इंडिया एक्चुअली रीच्ड आउट आई स्टिल रिमेंबर हाउ दैट कॉल वेंट इट वाज मोर लाइक आई पिक्ड अप एंड शी वाज लाइक हाय प्रारक्ता आई एम अदिति आई एम कॉलिंग फ्रॉम मार्वल इंडिया और हमने तुम्हारा वीडियो देखा एंड वी आर फॉलोइंग यू ऑन ट्विटर आई वाज लाइक ओके और वुड यू लाइक टू कम टू सिंगापुर विद अस मैंने कहा श्योर क्या इवेंट क्या है बिकॉज फोन पे तो बिजनेस फेस होता है ना मैंने कहा हाँ श्योर क्या इवेंट है लाइक कुछ ज़्यादा नहीं बस सैमुअल एल जैक्सन और ब्री लार्सन को मिलना है उनके साथ वन ऑन वन इंटरव्यूज है यू विल गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ द फिल्म बिफोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो आर यू इंटरेस्टेड एंड बोलना मुझे ये था कि येस स्टॉप आस्किंग मी स्टूपिड क्वेश्चंस But मैंने बोला कि श्योर आदिति आई एम जस्ट गोइंग टॉक टू सुदीप एंड गेट बैक टू यू ऑन इट ऑसम थैंक्स एंड द मिनट आई वो ये सारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है सुदीप के बगल में बैठ के द मिनट आई हंग अप आई वाज लाइक बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस मैं पहली बार अपनी लाइफ में रिपोर्टिंग टाइम से एक घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँच गई थी बट नोइंग माई लक मेरी फ्लाइट डिले हो गई और फ्लाइट डिले होने के बाद एयरपोर्ट पर बेचारा बंदा क्या ही करे मैं एक तरफ चिकन विंग्स तोड़ रही हूँ लेकिन दूसरी तरफ मेरा मूड खराब है क्योंकि लास्ट मिनट हमें पता चला कि सुदीप का वीजा डिडंट कम थ्रू उसके बाद आई बोर्डेड एंड आई डिड माय फेवरेट एक्टिविटी दैट आई डू ऑन एयरप्लेन्स लैंड होने के बाद बहुत थक गई थी और होटल में चेक इन काफ़ी घंटों बाद मिलने वाला था और मेरा मूड था जाके सो जाने का सो आई वेंट एंड आई विजिटेड माई मासी टीना मौसी हु लिव्स इन सिंगापुर गई मस्त पई की बैठ के गॉसिप किया पराठे खाए और मैं चार घंटे मेरे ख्याल से सो गई आई गॉट अप आई गॉट रेडी आई रश्ड टू द होटल टू ड्रॉप माई लगेज But I couldn't find my room. This is the maddest hotel with 398,000 lifts and I got lost and I got late and I was just traveling from lifts to lifts and now I gotta run back to the lobby because we're gonna go and watch like 20 minutes of Captain Marvel. और पता है बढ़िया बात ये थी ना कि वी वर ऑल ट्रैवलिंग दिस मैसिव बस और क्रिएटर्स एंड जर्नलिस्ट्स एंड कंटेंट राइटर्स फ्रॉम अराउंड डिफरेंट कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक वी वर ऑल ट्रैवलिंग टुगेदर वो होता है ना कि क्लैन हो जाता है इफ यू आर अ मार्वल फैन सडनली यू आर अ पार्ट ऑफ द क्लैन एवरीवन वाज यूजिंग देयर माइंड कि ये प्लॉट हो सकता है या ये हो सकता है वो हो सकता है कर करके हम फाइनली उस थिएटर पहुंच गए विच वॉज आई थिंक इन वीवो सिटी और हमसे पहले एक बस पहुंच गई थी चक्कर में सारे जो अच्छे लाइट वाले स्पॉट्स थे ना वो ले लिए थे सो द ओनली स्पॉट आई कुड फाइंड वॉज ऑन द ग्राउंड इन अ कॉर्नर आई एम ऑन द फ्लोर राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू यूज माई लिम्स एनी मोर बिकॉज मेरे हाथ में टिकट है जो लेके आई कैन गो इन साइड अ स्टूडियो इन साइड अ थिएटर वेयर फोकस प्लीज दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉक्स योर कैमरा थैंक यू सो मच जहाँ पे वो हमें 20 मिनट्स का एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाएंगे ऑफ कैप्टन मार्वल अभी वी नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट इट सो ऑब्वियसली जब ये व्लॉग देख रहे हो उसके बाद आई एम श्योर आई फ्लिप्ड ऑन माय इंस्टाग्राम बट मुझे कुछ अलाउड नहीं था दे गॉट अस टू साइन स्टफ यार ये ना मेरे साथ हर बार वाली बात है अंटिल आई रीच हियर आई डोंट नो हाउ एक्साइटेड आई एम अबाउट इट और मतलब मजे की बात है कि मूवी तो थी बट मुफ्त में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी मिल गया तो बड़े मजे आए जो हमने 20 मिनट्स देखे उसमें एक ऐसा सीन था जिसमें हम देसियों की सीटियां निकल गई अपने आप तो पूरे ऑडिटोरियम को पता था कि वो इंडियंस कहाँ बैठे हैं आई हैव ऑल दीज फीलिंग्स विद द फीलिंग डोमिनेटिंग इट इज अदिति कंप्लेंट टाइम वो होता है ना कि किसी शार्क टैंक में तुमने दो ड्रॉप ब्लड डाल दिया और फिर बोलो सॉरी इतना ही था दिस स्टॉप द मूवी लाइक द स्क्रीनिंग एट द टाइम वेयर आई वाज लाइक एंड देन दिस स्टॉप सो द डे एंडेड वेल और आई वॉज स्टिल होपफुल कि चलो ये कल सुबह सुदीप आ जाएगा बट होटल रूम पहुंचने के बाद पता चला कि उसका वीजा नहीं आया सो देयर इज नो वे सुदीप वाज गोना मेक इट टू द मेन शो डे कल सुबह 7:30 बजे मेरे ख्याल से आई हैव टू बी रेडी टुमारो इज द बिग डे सो आई विल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग इट इज द डे दिस इज माई आउटफिट डिटेल
I did not want to dress up uncomfortable at all क्योंकि बहुत लंबा दिन है, so I just पहला plan of action था कि press conference जाना है. मैंने कहा लेकिन hello one second, उससे पहले मुझे चाय दिख रही है, so I'm gonna go get some chai and then press conference. और everything was going okay, आराम से बैठे हैं, बातें चल रही हैं सबकी आपस में, when suddenly they announced that now Brie and Samuel are gonna come on stage and this was my face. Did you see my eyes? Did you see my eyes? If you didn't, wait. Ravi, put this back. Now did you see it? Finally, it was the golden moment. हमें बताया गया कि now we're gonna go to our one-on-one interaction with Brie Larson and Samuel L. Jackson and the directors. एक तो यार security उन्होंने इस level की रखी थी ना, मतलब जैसे करके ऐसे ब्लैक कोट वाले लोग हमें लेके जा रहे थे, ऐसा लग रहा था दे आर स्मगलिंग अस टू हाला. हाला, यू डोंट नो व्हाट हाला इज, यू नीड टू वॉच द मूवी फॉर दैट. देन एंड देन आई फाइनली मेट देम. फर्स्ट आई वाज समंड टू द रूम दैट सैमुअल एल जैक्सन वाज सिटिंग इन. आई एम शेकिंग एंड हाउ. Thank you so much. It's such a pleasure to meet you. You have no idea how many hours I've spent studying your movies back in college. Oh, really? I have a YouTube channel. YouTube channel? Yes. Oh. And while we're at it, you should like and subscribe. Priorities. Till the minute he was in my line of vision, I was like... like the whole time, I'm pretty sure his team thought I'm crazy. If you had to play an Avenger, which one would you choose to be? Everybody wants to be Iron Man. He has a really thick accent. ठीक है? एक तो जब तुम nervous होते हो, you're talking to someone you admire so much, and then he has an accent that you can't crack. What do you do? I don't know what you do, but what I did was just laugh. Have you ever been to India? I have not. Do you plan to? Because we would love to have you there. Everyone's dying to see you there. Only if they give me a job. For sure. All right. Would you want to be? I'm sure you know about. I totally want to be Bollywood. In a Bollywood movie. Would you want to be in a Bollywood movie? Yeah, I want to be in Bali 3. Really? No, I'm just kidding. But I would come there and do a movie. Yeah, I would love to come to Bollywood. What do you like most about Bollywood movies? Have you watched any? Have you had the chance of watching any? Did I just say Bali? Did I make that up? Not really. You haven't seen that movie, huh? It's been there. Forever. What? Bali 1 or 2? 2. 2 is new. 2 is new. Awesome. What are you talking about? Yeah. But, yeah, I mean, yeah, I've watched, Yeah. I don't sing and dance, but, you know, I can fake it. But I'm sure, yeah, I'm sure you can do it. I didn't make it. I think you can carry it off. I think I saw you walk down the hall and you had this, like, you know. Okay, so yeah. I feel like that's something that's going to be easy for you to do anyway. That's right, guys. Samuel L. Jackson was kidding around with me. We are like BFFs. And after Sam L. Jackson, I got to meet the directors of Captain Marvel, Anna Borden and Ryan Fleck. They were super sweet, so warm. She liked my jacket too, by the way. Hi. Nice to meet you. Really you nice to meet you. Nice jacket. Thank you. Listen, this is my second compliment. You know, I've been like a massive Marvel. So I'm a content creator from India. I make comedy videos. Mm. And I have followed Marvel movies for the sense of humor. Mm-hmm. It's just so subtly funny, sarcastic, at the same time, so badass. Is that like... You're directing this now, but like when you read through the scripts you went through, is that like a conscious trait that you want to put in the script, or is it something just sort of seeped into and now is there? Like even in the trailer we saw all the secret footage that we saw yesterday, and we were just like, oh my god, like that there's always this like sort of underline of comedy going on. Yeah, when we first started talking to Marvel about it, that's what we told them we loved also about these movies. Same thing you just said to us. Yeah. This great sort of subtle dry humor that plays throughout. And it's the nowhere movies. In your face. Exactly. Yeah. Yeah, yeah. It's not just like, hey, here's a joke. Yeah. You know, it's just like it's sometimes. It's not slapstick, it's not tactics, mm-hmm. it's none of that. It's just very like plain face humor and it's super amazing. Yeah, so we brought some of that to this movie as well. We're very excited about that. Mm-hmm. And I speak for everyone back in India. We are massive Marvel fans. Everyone's waiting for Captain Marvel. Phil, interview number 3 was with Captain Marvel herself, Brie Larson. So we just found out that Brie Larson's been to India. Where in India is that? You've been to Mumbai. I've been to Mumbai, been to Kerala, been to Hyderabad. What's a place called Ked? I don't know. Ked? Yeah. Why don't I know a place called Ked? It was a really long road that I drove. That's basically like towards India. Goa, I guess.
Ked. Okay. Ked. Oh, all right. Listen, this was the first time I'm talking to someone who's won an Oscar. Did you eat all the fish there? In Kerala, for sure. Awesome. Yeah. So congratulations. Thank you. On being the biggest, baddest superhero like ever. Stop. Okay, I will. But no, it's flipping, all right? Hello, she is the biggest, baddest superhero in the Marvel universe. So yeah. Captain Marvel was a real life person chilling, you know, chilling. In a suit. What would your superpower I would be? Pick invisibility. Ah. You know, it's like, it's hard to undo your face being on billboards. It's just, you know, it's kind of like, it's kind of done for me. Yeah, so. Sort of just like, get street food, go shopping. I did do that last night, and it was totally fine. Oh, you so did? Maybe I'll be okay. By the way, I love your Instagram. I love the vibe. Thank I love you. That you're always jumpy and happy. I love it. It's amazing. But hey, speaking of the superhero costume, the suit is badass. Mohawk, like the helmet or no helmet, what do you prefer? I mean, from my own personal standpoint, I'd prefer no helmet because once the helmet's on, it's hard for me to hear, it's hard for me to see. But so, you know, my favorite part cool. is when it comes off. I love like how the way the that hair, it, oh, yeah, the hair falls down. That's amazing. Yeah, it is pretty cool. But hey, congratulations, and we are dying to watch the movie. The movie comes out on the 8th of March. Do not miss it. And please come to India soon. Love to. ये होने के बाद obviously I needed some time to myself to just like hyperventilate. So I went for the hotel room for a while, but उसके बाद हमें red carpet के लिए निकलना था बहुत जल्द. So quickly we left for the red carpet. Samuel L. Jackson, hi. Failed, walked right by. Did not notice my corduroy jacket that time. Brie Larson, hi Brie, can we get a picture? And boom, success my friend, I got a picture. One more thing I'd like to really say here is Gemma Chan came on the red carpet. The whole time she was on the red carpet, she spent time, like she took her time to meet her fans. Sabke saath photos click kari, hug kara, signatures diye unke posters pe. Aur phir sab kuch khatam hone ke baad she came to talk to like whatever news channels were there, which I think is very sweet, I appreciate. Brie did the same. And suddenly two amazing days of my life were about to end. Lekin before it ended na, उन्होंने ना बिकॉज इट वॉज हैपनिंग इन सिंगापुर उन्होंने एक छोटा सा क्लिप प्ले किया जहाँ पे दे शोड लाइक सिंगापुर विमेन अचीवर्स जो है सिंगापुरियन है उसमें से एक लाइन विच वॉज माई टेक अवे फॉर द होल इवेंट वॉज दिस देयर वॉज दिस रेस कार ड्राइवर एंड व्हेन आस्क्ड हाउ इट फील्स टू बी अ फीमेल रेस कार ड्राइवर शी एक्चुअली वेंट ऑन कैमरा एंड सेड इट्स नॉट अबाउट बींग अ फीमेल रेस कार ड्राइवर इट्स अबाउट बींग अ रेस कार ड्राइवर एंड आई एम ब्लडी गुड एट दैट विच इज बॉम आई फील लाइक विच जस्ट टाइज दिस होल इवेंट द होल सेंटिमेंट ऑफ द मूवी एवरी थिंग टुगेदर क्योंकि इससे मैं रिलेट करती हूँ जितनी बारी मेरे से पूछा जाता है ना कैसा लगता है आपको कि आप फीमेल कॉमेडी क्रिएटर है आई हैव एन आंसर नाउ सो थैंक यू मार्वल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन I loved it. It was so much fun. And I'm really hoping that you like this video. मैंने ना बहुत सारे notes बना के रखे थे because मुझे इस type का talk in the camera type vlog बनाना था. And I'm really hoping that you liked it. If you did, make sure you give a big fat thumbs up. Don't forget, Captain Marvel releases on the 8th of March. That is this Friday. जाके देखना. I'm going to try my best. So can we try for like an first day, first show things? I've never done that in my life and I really want to do it. Okay, we're gonna try for that. I'll keep you updated on that. If you do that, tag me, tag Marvel India. I'm gonna go now and just like wait for the movie to release. If you haven't subscribed yet, you should do that. I'll see you guys again on Thursday. Until we meet, love, love.